एक बार स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो देखने में बहुत दुखी लग रहा था। वह व्यक्ति आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, काफ़ी लगन से भी काम करता हूँ, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया है कि मैं पढ़ा लिखा और मेहनती होते हुए भी कभी कामयाब नहीं हो पाया हूँ। स्वामी जी उस व्यक्ति की परेशानी को पल भर में ही समझ गए। उन दिनों स्वामी जी के पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम कुछ दूर जरा मेरे कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। आदमी ने बड़े आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखा और फिर कुत्ते को लेकर कुछ दूर निकल पड़ा। काफ़ी देर तक अच्छी खासी सैर कराकर जब वह व्यक्ति वापस स्वामी जी के पास पहुंचा, तो स्वामी जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा कि यह कुत्ता इतना ज़्यादा कैसे थक गया, जबकि तुम अभी भी साफ सुथरे और बिना थके दिख रहे हो। तो व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पे चल रहा था, लेकिन यह कुत्ता गली के सारे कुत्तों के पीछे भाग रहा था और लड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाता था। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया है, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए यह थक गया है। स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा, यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वह ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पर जाने की बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हो। यही बात लगभग हम सब पर लागू होती है। प्रायः अधिकांश लोग हमेशा दूसरों की गलतियों की निंदा चर्चा करने, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या द्वेष करने और अपने अल्प ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करने के बजाय अहंकार ग्रस्त होकर दूसरों पर रौब झाड़ने में ही रह जाते हैं। अंततः इसी सोच की वजह से हम अपना बहुमूल्य समय और क्षमता दोनों खो बैठते हैं और जीवन एक संघर्ष मात्र बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, दूसरों से होड़ मत कीजिए और अपनी मंजिल खुद बनाइए। धन्यवाद।